कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सत्ता में बैठे लोगों की भाषा भले ही आधुनिक लगती है, लेकिन वह भारत को पीछे की ओर ले जाने के प्रयास में है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार के पाखंड को बेनकाब करना होगा और बहुलवादी भारत के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। वह जवाहरलाल नेहरू स्मृति व्याख्यान में बोल रही थी। सोनिया ने कहा, पंडित नेहरू के योगदान को नकारना आज के समय में फैशन बन गया है। ऐसे समय में उस आइडिया ऑफ इंडिया पर जोर देना ज्यादा अहम है जिसके लिए पंडित नेहरू ने अपना जीवन समर्पित किया। आज जब लोकतंत्र और बहुलवादी सामाजिक ताने बाने को हल्के में लिया जा रहा है, तो नेहरू और उनके समय की दूसरी हस्तियों के बड़े योगदान को भुलाना आसान हो गया है। लेकिन इन लोगों ने जिन चुनौतियों, कड़े सवालों का सामना किया और राष्ट्र निर्माण की जिस परियोजना को उन्होंने अमील जमा पहनाया, उसे भूलना आसान नहीं है। यह उनके अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज भारत इस मुकाम तक पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, नेहरू ने जिन हालात में भारत का नेतृत्व किया, उनमें कई दूसरे देश एकता एवं विकास के नाम पर लोकतंत्र के दमन की तरफ बढ़ गए और वहां पर तानाशाही निजामों का उदय हो गया। तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नेहरू ने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास रखा जो सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हुए अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो अमिट है और हम सभी को जिस पर गर्व है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण धर्म निरपेक्षता, समाजवादी अर्थव्यवस्था और गुट निरपेक्ष विदेश नीति नेहरूवाद के चार स्तंभ रहे। यह भारत के उनके नजरिए के अभिन्न भाग थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज नेहरू के उसी दृष्टिकोण पर बुनियादी तौर पर हमला किया जा रहा है, लेकिन यह उस भारत के मूल में बरकरार है जिसके लिए हमें लड़ाई जारी रखनी होगी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा कि यह निराशजनक है कि आज सत्ता में बैठे लोग इस सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। उनमें इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता, नजरिए और बुद्धिमता का अभाव है। मौजूदा शासकों द्वारा आज हम पर ताकत का इस्तेमाल करके यह फरमान सुनाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या सोचना है। एकता का इनका विचार एक रूपता है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार विविधता का अपमान करती है और इससे डरती भी है। इस सरकार के लोगों की भाषाएं भले ही आधुनिक हो, लेकिन ये भारत को पीछे की ओर ले जाने के प्रयास में है, क्योंकि उन्होंने भारत की तकदीर बनाने में कोई बलिदान नहीं दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमें इस पाखंड को दूर करना होगा और इसके पीछे के अंधकार को बेनकाब करना होगा। हमें एकजुट होना होगा और 6 साल से चल रहे इस अन्याय एवं कुप्रबंधन के खिलाफ बोलना होगा। हमें करोड़ों भाई बहनों के लिए यह करना होगा।